बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त कुलचा बना रहे हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। हम इसे घर में मौजूद चीज़ों से बना लेंगे। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 कप मैंने मैदा लिया है। आप घर का कोई भी चाय का कप सेट कर लें। 3 चम्मच हम इसमें दही डालेंगे, ये खाना खाने वाला जो चम्मच होते हैं उससे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शुगर, ये डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे। अब 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब नीम गर्म पानी से इसकी डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। अब 1 चम्मच इसमें और ऑयल डालेंगे। और इसको गूंद लेंगे अच्छे से, जैसे आटा गूंदते हैं वैसे। 3-4 मिनट मैंने आटे को गूंद लिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे। ये 3 आलू लेके मैंने इसको बॉईल करके पीस लिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम सब्ज़ धनिया डालेंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, स्पाइसी डालेंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून नमक, और इसको मिक्स कर देंगे। आटे को रखे हुए 35 से 40 मिनट हो गए हैं। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। अब पेड़ा एक एक लेंगे ऐसे करके, जितना बड़ा आपने पेड़ा बनाना है उतना आप इसका ले लें। अब आलू की हम फिलिंग इसके अंदर करेंगे। ऐसे ही अब हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब एक एक पेड़ा उठाएंगे, आटा डस्ट करेंगे। और इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा हम इसको बेलेंगे पहले। अब इसके ऊपर वाइट तिल हम डालेंगे, थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। अब थोड़ा सा आटा ऊपर डालेंगे और इसको बेल लेंगे। ये
ये देखिए इतना मोटा हमने बेलना है। अब इसको उठाएंगे और इस साइड पे हमने पानी लगाना है, या तो आप इस पे पानी लगा लें या आप तवे पे पानी लगा लें। अच्छे से सारे के ऊपर पानी लगा लें। मैंने मीडियम आंच पे तवा रख दिया है। अब जो पानी वाली साइड है ना वो हमने नीचे करनी है ऐसे, और इसको 3 से 4 मिनट एक साइड से ही हमने कुक करना है। 3 मिनट हो गए हैं एक साइड से रखे हुए। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। आप ऑयल लगा लें, मक्खन घी जो आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी साइड से इस साइड से भी हल्का सा इसको सेकेंगे। एक 1.5 मिनट मैंने ये नीचे वाली साइड से भी सेक लिया। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा कुलचा रेडी हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट और फूला हुआ नरम। ऐसे ही अब हम सारे तैयार कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह फूले फूले हमारे कुलचा कितनी मज़े के बने हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट और कितने मज़े के, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।